देश में लगातार बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ वामपंथी पार्टियों के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा देश में महंगाई दर कम करने व बेरोजगार बढ़ाने के लिए किए गए वादे 8 साल बाद भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सभी वामपंथी कम्युनिटियों पार्टियों द्वारा सिविक सेंटर में 25 से 31 मई तक धरना प्रदर्शन किया गया। सभी पार्टी सदस्यों का कहना है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल व डीजल उर्फ गैस सिलेंडर के भाव आसमान छू रहे हैं। बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है। पार्टी सदस्यों का कहना है कि केंद्र सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है और अपनी नीतियां जनता पर लागू किए जा रही है। इसके अलावा देश की संपत्ति को कॉरपोरेट जगत को बेच रही है और आम जनता को मंदिर मस्जिद जैसे सामाजिक मुद्दे में उलझा रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को जागरूक होकर महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आज का ये धरना जो है पूरे देश के अंदर में वामपंथी पार्टियों द्वारा वर्तमान जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, हम कह सकते हैं जो कॉरपोरेट्स की सरकार है, जिस ढंग से उसकी नीतियां इस देश में आम जनता पर लागू किया जा रहा है, जिसके चलते महंगाई जो है आसमान छू रही है। पेट्रोल के, डीजल के, गैस के दाम जो हैं बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। बेरोजगारी के जो रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, पूरे 45 साल में जो स्थिति है उससे भी बदतर स्थिति जो है ला के खड़ा कर दिया है। इसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। मैं श्यामलाल साहू, CPIML लिबरेशन से। आज का ये जो धरना प्रदर्शन है पूरे देश में, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है और लोगों का जीना हराम हो रहा है, उसके चलते तमाम वामपंथी पार्टियों की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बल्कि ये कार्यक्रम तो 25 मई से जारी है और आज एक तरह से समापन हुआ है, लेकिन हमारी लड़ाई निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि महंगाई से आज पूरे देश की जनता त्रस्त है और ख़ास करके जो निम्न मध्य वर्ग है और जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका जीना मुहाल होता जा रहा है। तो इस सरकार ने 2014 में सत्ता में आने से पहले क्या कहा था, हम महंगाई को निचले स्तर पर ले आएंगे, सबसे निचले स्तर पर ले आएंगे। वामपंथी पार्टियों द्वारा 25 तारीख से लेकर मई में 31 मई तक पूरे देश भर में बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ अभियान चलाया गया, और ये अभियान चलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये सरकार जो है, जो 8 साल पूरी कर चुकी है, इस पूरे 8 साल में बेरोजगारी की दर 7.9% जो अधिकतम है, और इसी तरह से महंगाई की दर जो थोक महंगाई है वो 15.08% तक बढ़ गया, और खुदरा जो महंगाई है वो 7.9% तक बढ़ गया, जो ये पूरे के पूरे इस दौर में सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी है। वामपंथी दल जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, RSP, CPIML लिबरेशन शामिल हैं, ये वामपंथी पार्टियों का ये मानना है कि इस सरकार को जो पेट्रोल और डीजल के दाम में जो लगातार वृद्धि की गई है, उसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है और जितने भी शेष लगाए गए हैं वो सब वापस लिया जाना चाहिए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए हर सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट।